अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरान चुगताई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफिकेशन को देखा था, उससे नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा जो है वो है रेजोल्यूशन, कि हम रेजोल्यूशन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि रेजोल्यूशन है क्या। रेजोल्यूशन इज़ अ थ्योरम प्रूविंग टेक्निक दैट प्रोसीडेड बाय बिल्डिंग, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, थ्योरम प्रूविंग टेक्निक है कि हम इससे क्या करते हैं, कोई हमें प्रूफ करना होगा तो वो हम रेजोल्यूशन के थ्रू किस तरह से प्रूफ करते हैं। इसमें वही यूनिफिकेशन भी यूज़ होगी, और उससे पहले जो हमने CNF पढ़ा है, FOL पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, तो वो यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, ठीक है। तो CNF हमारे पास क्या था, के CNF में हम क्या करते थे, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, के हमारे पास कोई भी सेंटेंसेस हैं तो उनको हम क्या करते थे, पहले CNF में कन्वर्ट करते थे। ये सारे लास्ट लेक्चर्स में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जस्ट रेजोल्यूशन को देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनको हम किस तरह से रेजोल्यूशन उन पर परफॉर्म करते हैं। इसमें यूनिफिकेशन जो है वो इसका की कंसेप्ट है। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है वो लाजमी देखना है कि हम यूनिफिकेशन किस तरह से कर रहे थे, उसी की बेस पर ही रेजोल्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास रेजोल्यूशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास रेजोल्यूशन का है वो है कन्वर्जन ऑफ फैक्ट्स इंटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, FOL। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, हम उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, ठीक है, ये हमने प्रेडिकेट लॉजिक में पढ़ा था। सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है, कन्वर्ट FOL स्टेटमेंट्स इनटू CNF। ठीक है, कि हमने FOL को अब CNF में कन्वर्ट करना है, तो CNF में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इसके जो स्टेप्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, वही वाले हम यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। थर्ड जो है वो है निगेट द स्टेटमेंट विच नीड्स टू प्रूव। ठीक है, जिस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है उसको हम क्या कर देंगे, उसका निगेशन ले लेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे रेजोल्यूशन ग्राफ। ठीक है, तो ये चार स्टेप्स हैं, ये परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, रेजोल्यूशन परफॉर्म हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस पर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें इस पर परफॉर्म हो रही हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, जहन लाइक All kinds of food first ये है। second जो है कि apple and vegetable are food। third जो है anything Anyone eats and not killed is food। Anything anyone eats and not killed is food। ठीक है, उसके बाद जो है
कि अली ईट्स पीनट्स एंड स्टिल अलाइव। फिर है कि जॉन लाइक्स पीनट। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है कि रेजोल्यूशन से कि जॉन लाइक पीनट्स, ये हमारा जो रेजोल्यूशन है, कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है। तो स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि कन्वर्जन ऑफ फैक्ट्स इनटू एफओएल। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में जब इनको कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से था कि अब इसका क्या बनेगा कि जॉन लाइक ऑल काइंड ऑफ फूड। ठीक है, तो ऑल के लिए हम कौन सा यूज करते थे, फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल एक्स फूड एक्स जॉन एक्स। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है फूड एप्पल एंड फूड वेजिटेबल्स, कि क्या है, एप्पल एंड वेजिटेबल्स आर फूड, फूड एप्पल एंड फूड वेजिटेबल्स। इसको जब कन्वर्ट करेंगे एंड फूड एप्पल एंड दूसरा क्या है, एप्पल एंड वेजिटेबल्स आर फूड, तो दोनों क्या फूड है। ठीक है, इस तरह से हम ये सारे क्या कर देंगे, इन पर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक अप्लाई करते जाएंगे। नेक्स्ट सी हमारा क्या बनेगा, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई ईट एक्स वाई। सी का मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई। ठीक है, ये जो है कि एनी थिंग एनी वन। ठीक है, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई ईट्स एक्स कॉमा वाई एंड निगेशन किल्ड। यहां पर क्या है, नॉट किल्ड, क्या लगाएंगे हम, निगेशन किल्ड, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इंप्लाइज फूड वाई। ठीक है, सी के लिए हम इस तरह लिखेंगे कि एनीथिंग एनीवन ईट्स, कि एनीथिंग एनीवन ईट्स, कि ये चीज आ गई एंड ये आ गया नॉट किल्ड, इंप्लाइज क्या है, इज फूड, कि जो भी चीज वो नहीं खाते वो क्या है हमारे पास, जो खाते हैं और किल्ड नहीं होते वो क्या है, फूड। ठीक है, तो फूड में क्या, एनीथिंग में क्या आ गया y, और एनीवन में क्या आया x। अब जो नेक्स्ट है d में हमारे पास क्या है, अली ईट्स पीनट्स एंड स्टिल अलाइव, तो क्या आएगा इसमें, ईट्स अली कॉमा पीनट्स। ठीक है, और इंप्लॉयज एंड एंड अलाइव अली। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हमारे पास उसके बाद है डी के बाद यहां पर ई में आना था जो मिस हो गया, कि हैरी ईट्स एवरीथिंग दैट अली ईट्स। तो अब ई का जब हम एफ एल बनाएंगे वो हमारे पास किस तरह से आएगा, कि फॉर ऑल एक्स ईट्स अली क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है एवरीथिंग। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर ऑल एक्स ईट्स टू अली कॉमा एक्स, फिर क्या आ जाएगा,
एम्प्लॉयज ईट्स हैरी, कि हैरी जो कुछ खाता है वो अली भी खाता है। ये था हमारा ई। एफ में हमारे पास क्या है, जॉन लाइक्स पीनट्स, तो सिंपल लाइक्स जॉन पीनट्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया कि हमने जो सिंपल हमारे पास फैक्ट्स थे हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, FOL में। अब क्या करना है कि जो FOL में कन्वर्ट किए हैं अब इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, CNF में। तो CNF में फर्दर हमारे पास कुछ स्टेप्स थे। स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप जो हमारा क्या है वो क्या है, एलिमिनेट ऑल इम्प्लीकेशंस एंड रीराइट, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर इम्प्लीकेशन आ रही है और यहाँ पर इम्प्लीकेशन आ रही है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इम्प्लीकेशन आ रही है वो हमने एलिमिनेट करनी है और इनको दोबारा से लिखना है। तो एलिमिनेट इम्प्लीकेशन ख़त्म करने का हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्या था, कि अगर ए इम्प्लाइज बी है तो हम क्या करते हैं, निगेशन लगा देते हैं और ए और बी इस तरह से। तो देखते हैं जो सेंटेंस हमारे पास जिनमें इम्प्लीकेशन आ रही है उनको हम किस तरह से सेट करते हैं। तो पहले में ही इम्प्लीकेशन थी उसको आप रिमूव करें तो क्या बनेगा, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, निगेशन जो हमारे इम्प्लीकेशन खत्म करने की वजह से यहां पर आई है, ठीक है। फूड एक्स और लाइक्स जॉन एक्स, ठीक है, इम्प्लीकेशन खत्म हो गई। सेकंड में बी में क्या आ जाएगा, ये था ए, अब जब बी लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, वो सेम आ जाएगा, इसमें कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। फूड एप्पल एंड फूड वेजिटेबल, सी में क्या है, सी में हमारे पास देखते हैं इम्प्लीकेशन थी या नहीं। सी में इम्प्लीकेशन है, ठीक है, कि जहां पर है किल्ड एक्स एम्प्लॉयज फूड वाई, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इम्प्लीकेशन खत्म करेंगे। जब इम्प्लीकेशन खत्म करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई। अब ये निगेशन कौन सी आ गई, जो इम्प्लीकेशन खत्म करने के लिए, ठीक है, ईट एक्स वाई एक्स कॉमा वाई एंड नॉट किल्ड। अब इसके आगे इम्प्लीकेशन था, तो इम्प्लीकेशन जहां पर खत्म हो रही है वहां हमने क्या करना है, और लगा देना है, और फूड वाई। यहां तक ये क्या है हमारी, ये एक पार्ट है, सपोज ये ए है और यहां पर और लगा के फूड वाई, ये हमारा क्या है, बी है। अब डी में देखते हैं कि डी में हमारे पास कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, उसको सेम उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। और ई में भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, ई में इम्प्लीकेशन है, ठीक है, तो ई को ही लिख लेते हैं, फॉर ऑल एक्स। अब इसमें क्या था कि ईट अली एक्स, सबसे पहले तो क्या आ जाएगी, निगेशन, ठीक है, ई में ईट अली कॉमा एक्स, ये एक पार्ट हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, और ईट्स हैरी एक्स, ई हो गया। अब हमारे पास क्या है, एंड में एफ है। एफ में क्या है, एफ में हमारे पास कोई निगेशन नहीं है, ठीक है, और इम्प्लीकेशन कुछ भी नहीं था,
एफ में है कि किल्ड एक्स अलाइव एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल एक्स निगेशन, नॉट किल्ड, ठीक है, नॉट किल्ड इंटू एक्स, ठीक है, ये एक वर्ड हो गया उसका। फिर क्या लगाएंगे? और लगाएंगे अलाइव एक्स, ओके। उसके बाद जो हमारे पास है एफ के बाद वो है जी। जी में क्या आता है कि जब हमने इसको एफ ओ एल में कन्वर्ट किया कि फॉर ऑल एक्स अलाइव एक्स और नॉट किल्ड एक्स, ये नेगेशन आएगी अलाइव एक्स, और नेगेशन किल्ड एक्स, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? इसमें एच आएगा कि जोहन लाइक्स पीनट्स का क्या था, लाइक्स जोहन पीनट्स, ये सेम वैसे ही रहेगा, तो ये सीएनएफ का फर्स्ट स्टेप था कि एलिमिनेट ऑल इम्प्लिकेशंस एंड रीराइट। सेकंड जो है सीएनएफ का वो क्या है, मूव निगेशंस इनवर्ड्स एंड रीराइट। कि निगेशन जहां जहां कहीं बाहर है उनको हम क्या करेंगे, इनवर्ड मूव कर देंगे और दोबारा से स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ये क्या है, सीएनएफ के स्टेप्स हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स बनेंगी वो किस तरह से बनेंगी के ए में हमारे पास क्या बनेगा, फॉर ऑल एक्स निगेशन फूड एक्स, और लाइक्स जॉन एक्स। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा कि फूड एप्पल एंड फूड वेजिटेबल्स, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई निगेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद ईट्स अली पीनट्स, एंड अलाइव अली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो है फॉर ऑल एक्स निगेशन eats Ali, comma X, or eats Harry X. ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर ऑल X negation killed x or alive x। उसके बाद है for all x negation alive
लाइव एक्स और निगेशन किल्ड एक्स। और लास्ट में हमारे पास सेम है वही के लाइक्स जॉन पिनट्स तो सीएनएफ का जो थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे रीराइट वेरिएबल्स या हमने इसको क्या बढ़ा था कि स्टैंडर्डाइज कर देंगे वेरिएबल्स को। क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी ठीक है उनको हम क्या करेंगे स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो या रीराइट रीनेम कर देंगे। जब हम ये स्टेप परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगी फॉर ऑल एक्स निगेशन फूड एक्स और फर्स्ट ये आ जाएगी। सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा फूड एप्पल एंड फूड वेजिटेबल। जहां कहीं एक्स था ठीक है एक्स वाई या हमारे पास वो यूज हो रहे हैं वेरिएबल्स हम उनको चेंज करेंगे। बाकी जो स्टेटमेंट्स इस तरह की हैं हम उनको सेम उसी तरह से ही लिख देंगे। अब क्या आ जाएगा फॉर ऑल वाई और फॉर ऑल एक्स था तो उसको हम किस में कर देंगे फॉर ऑल जी कर देंगे ठीक है। एक्स को हमने किस तरह कर दिया जी तो अंदर भी हम क्या कर देंगे यहां पर निगेशन इट्स वाई कॉमा जी वाई कॉमा एक्स था तो उसको जी हमने बना दिया और किल्ड वाई और फूड जी ठीक है। तो एक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया जी से। नेक्स्ट है ईट्स सेम ये उसी तरह ही है ईट्स अली पीनट्स एंड अलाइव अली ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है फॉर ऑल एक्स को हमने किससे यहां रिप्लेस कर दिया है डब्ल्यू से फॉर ऑल डब्ल्यू तो अंदर भी एक्स की बजाय हम क्या कर देंगे डब्ल्यू ईट्स अली डब्ल्यू ठीक है कि जो हैरी वाली स्टेटमेंट थी कि ईट्स और ईट्स हैरी डब्ल्यू ठीक है। तो ये हम बार बार इनको रेज कर रहे हैं तो यहां से मे बी आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो रही हो लेकिन जब इसके नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा तो वहां आपको प्रॉपर पिछली स्टेटमेंट्स को भी आप जब कंपैरिजन कर रहे होंगे तो समझ आ जाएगी तो घबराना नहीं है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुश्किल कुछ नहीं है कुछ स्टेप्स ही हैं जो हमारे पास पांच छह हमारी स्टेटमेंट्स हैं हम उन पर परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारे काम वही हैं जो हम पहले परफॉर्म कर चुके हैं ठीक है। उसके बाद है फॉर ऑल यहाँ पर एक्स को हमने किससे जी से रिप्लेस कर दिया फॉर ऑल जी किल्ड जी और अलाइव जी फॉर ऑल के निगेशन अलाइव के और निगेशन किल्ड के ठीक हो गया। अब इसके बाद लास्ट में जो है वो सेम वही है कि लाइक्स जॉन कॉमा
पीनट्स। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है जो सीएनएफ में था वो क्या था कि हमारे पास जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं वो हमने क्या करने हैं, एलिमिनेट करने हैं। तो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर जो है वो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर मौजूद है, ठीक है, उसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो जहाँ जहाँ फॉर ऑल था वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम क्या कर देंगे कि जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है जिसको हमें प्रूव करना है कि जो हम लाइक पीनट्स, इसको हम क्या कर देंगे एंड में निगेट। ठीक है, मैं वो दो स्टेप स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वही स्टेटमेंट्स हमने लिखनी है फॉर ऑल एक्स जो है इसको, इनको ख़त्म करके। ठीक है, तो जो एक्चुअली हमारे पास रेजोल्यूशन का प्रोसेस है वो ये है कि हम जब इसका आगे जो इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, रेजोल्यूशन ग्राफ, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास एंड में एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, तो वो अब हम ग्राफ बनाकर देखते हैं कि रेजोल्यूशन ग्राफ किस तरह से ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, अपने इस कंट्रोडिक्शन से, ठीक है, जिसको हमने प्रूव करना है। और यहां पर अब हम क्या करेंगे, यूनिफिकेशन परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप था कि निगेट कर दें, हमने निगेट कर दिया। निगेट करने से क्या आया, निगेशन लाइक्स जॉन कॉमा पीनट्स। ठीक है, ये अब जब हम देखेंगे कि हमारे पास इससे रिलेटेड कौन सा आ रहा है कि जिसमें आ रहा हो लाइक्स, ठीक है, और जॉन एक्स, तो वो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो क्या थी, निगेशन फूड एक्स और ठीक है, मैं इसको नीचे करके लिख देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा यहाँ करके लिख देता हूँ, मैं भी लोगों में वो नीचे ना आ जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास क्या था, निगेशन फूड एक्स और लाइक्स जॉन एक्स। ठीक है, अब यहां पर जो है हमने क्या करना है, यूनिफिकेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को, इनको यूनिफाई करेंगे। अब क्या है, लाइक्स जॉन पीनट, अब इधर क्या है, इस हिस्से को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर क्या है, लाइक्स जॉन इंटू एक्स। अगर हम पीनट्स को और एक्स को, इनको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, पीनट्स स्लैश एक्स। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन सेट है कि अगर इनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वाली स्टेटमेंट और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, हमारे पास यूनिफाई हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, निगेशन फूड एक्स। तो निगेशन फूड एक्स को हम यहां लिखेंगे एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स है, सॉरी, एक्स की जगह पे अब हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पीनट्स को, निगेशन फूड इनटू पीनट्स। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कि बाहर निगेशन आ रही है, अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि फूड आ रहा है, ठीक है, या इस तरह से। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है निगेशन ईट्स वाई जी, ये हम कौन सा ले रहे हैं, जो हमने रिनेम कर लिए थे उन स्टेटमेंट्स को हम यहां पर यूज कर रहे हैं।
निगेशन इट्स वाई कॉमा जी और किल्ड वाई और किल्ड इंटू जी फूड जी जो है. अब इन दो में हमने क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करनी है. ठीक है, तो इसमें जब हम सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे तो फूड इनटू पीनट्स, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है. और अगर इधर देखें तो फूड इनटू जी है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पीनट्स स्लैश जी. तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसर. तो हमारे पास बाकी क्या बचता है, ये पोर्शन. ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, यहां पर लेकर आएंगे. निगेशन इट्स वाई कॉमा जी और किल्ड वाई. ठीक है, इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे. अब जो है क्या रहा है, ईट्स हेमन और फिर क्या है, किल्ड वाई. इससे रिलेटेड हमारे पास क्या थी, स्टेटमेंट है ईट्स अली पीनट्स. हमारे पास क्या है, बाहर ईट्स है. ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी तो करना है ना, कि जी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पीनट्स को, ईट्स वाई पीनट्स, वाई कॉमा पीनट्स. तो उससे रिलेटेड हमारी स्टेटमेंट क्या है कि ईट्स और यहाँ पर कुछ हो और पीनट्स. तो हमारे पास स्टेटमेंट है ईट्स अली पीनट्स. ठीक है, अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि अगर वाई को और पीनट्स को हम सब्स्टिट्यूट करें, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, अली. ठीक है, अली और वाई को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बाहर क्या ईट है और ये पीनट्स है, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा किल्ड वाई. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, अली को और वाई को. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि ये हिस्सा हमारा ईट्स, अगर यहाँ पर वाई पुट करते हैं या यहाँ पर, तो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, निगेशन किल्ड वाई और वाई को हम किससे कर देंगे, अली से, और ये निगेशन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये इसी के साथ ही कैंसिल हो गया, हमारे पास पोर्शन बचा ये वाला. ठीक है, तो इसलिए हमने इस निगेशन को नहीं देखना. ठीक है, तो क्या होगा, किल्ड इनटू अली. ओके, अब हमारे पास ऐसा कौन सा है जिसमें किल्ड आता हो और अंदर कोई कांस्टेंट आता हो जिसको हम रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है, तो वो स्टेटमेंट हमारे पास है निगेशन अलाइव के के और निगेशन किल्ड के. अब किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किल्ड और अली है, इधर किल्ड और के है. ठीक है, तो अली और के को हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो ये वाला और ये वाला ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, अलाइव के, और अलाइव के की जगह पर हम क्या करेंगे, अलाइव इनटू अली. ठीक है, अब देखते हैं कि अलाइव, हाँ निगेशन भी है, अब जो बचा है इसके साथ निगेशन है, निगेशन अलाइव अली. तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास है स्टेटमेंट वो है अलाइव अली.
ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, एम्प्टी सेट। तो जब हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है तो क्या होता है, हमारा रेजोल्यूशन जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाता है। तो ये स्टेप्स थे रेजोल्यूशन के, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने जो रेजोल्यूशन ग्राफ है इसमें किस तरह से परफॉर्म किया है। कि इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेजोल्यूशन ग्राफ, निगेशन लाइक्स जॉन पीनट्स एंड लाइक्स जॉन एक्स गेट रिजॉल्व इन कैंसल्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ पीनट स्लैश एक्स एंड वी आर लेफ्ट विद निगेशन फूड पीनट्स, ठीक है। ये तो इसी की एक्सप्लेनेशन है, ये आपको मैं दे दूंगा, आप लोग इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। तो आज का ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने रेजोल्यूशन को प्रूव किया, यूनिफिकेशन देख ली हमने, रेजोल्यूशन देख लिया, ठीक है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक देख लिया, प्रेडिकेट लॉजिक देख लिया, उसमें एफ वर्ल देख लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनकी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।